Desi hip hop. Desi hip hop, meri ijaat tenu kar daga main barbaad, mere naal kadi vi tu kari na mukabla. Hello, namaskar, ram ram, assalam walekum, sasriyakal, mere bhai log, good morning, kya hal chal. To subah ho chuki hai aur khatarnak collaboration aa gaya hai jiska har koi wait kar raha tha raat 12 baje se. खासकर मैं 12 बजे से लेकर 2 बजे तक उठा रहा, लेकिन गाना नहीं आया. लेकिन 2:30 बजे फाइनली गाना आ गया है और अभी हो रहे हैं सुबह के 11 बज रहे हैं. तो रेडी है रिएक्शन वीडियो के लिए. और यार आज है रैप दीमन का बर्थडे. तो यार रैप दीमन भाई, आपको ये बोलना चाहूँगा, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरजू, हैप्पी बर्थडे टू यू. तो भाई ऐसे सुपर डुपर हिट गाने निकालते रहो, हमेशा स्वस्थ रहो, खतरनाक रहो और हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे. और हर कोई सोच रहा था कि यार ऐसे कोलैबोरेशन कब आएंगे, क्योंकि इससे पहले एक कोलैबोरेशन आ चुका था किताब गाने में. तीनों के तीनों खतरनाक आर्टिस्ट एक साथ थे और उसका रिस्पॉन्स आपने देखा, वो ट्रैक लेजेंडरी बना. और साथ में भाई ड्रीम कोलैबोरेशन था हर किसी का, क्योंकि पाकिस्तान में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये तीनों आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने हिप हॉप को पकड़ के रखा हुआ है और पूरी जिम्मेदारी इन्हीं तीनों के ऊपर है कि इनको आगे लेके जाना है, क्योंकि इनके साथ साथ बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो और भी ग्रो हो रहे हैं. तो इसकी जिम्मेदारी है और हमेशा जिम्मेदारियों पर खड़े उतरते हैं. साथ में यंग स्टनर्स है और साथ में है तनु, पता है मैं है कौन, रैप दीमन और टी वाई इन द बिल्डिंग मदरफकर. और साथ में है तला अंजुम, उर्दू रैप के गालिब. तो यार गाना आ गया है, गाने को सुनते हैं. और साथ में डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिखा है कि ये गाना पूरी तरीके से वायरस को ख़त्म करने के लिए है, जड़ से मिटाने के लिए गाना है. वायरस आप समझ रहे हो, कोरोना वायरस की बात हो रही है. और उसमें साथ में कोरोना वायरस से किसको टारगेट किया गया है, चैन के को. तो यार फिलहाल गाना आ गया है, गाने में सुनेंगे और फिर बात करेंगे गाने के बारे में. तो लेट्स गो. ओके 4 AM, अच्छा सुबह सुबह शूट किया है भाई. मुझे लग रहा है गैंग बैंग होने वाला है, जड़ से खत्म होगा वायरस. कौन सा वायरस आपको भी मालूम है, मैं कौन, पहले बता दूं गाली बकूंगा मैं बहुत. गाली बहुत होने वाली है, इसलिए पहले ही वार्निंग दे दी एक तरीके से कि हेडफोन लगा लो, ईयरफोन लगा लो, नहीं तो घर वाले बोलेंगे क्या उल्टी सीधी चीज सुन रहे हो. तो भाई भर भर के गाली होने वाली है इसके अंदर, लग रहा है गैंग बैंग. पहले बता दूं गाली बकूंगा मैं बहुत, लिखूंगा जो बॉर्स उनमें रखूंगा मैं मौत. दिखूंगा पर दिखूंगा मैं थोड़ा थोड़ा धुए में, एवरी टाइम आई प्ले निगा शिट डोंट नेवर पॉज. काम देखो मेरा कैसे ना ना हो, नाम देखो मेरा कैसे ना गुना हो. इनके मुताबिक जानी मैं हूँ तो चाली, रैप गॉड रैप गॉड, खुद को बोलते खुदा वो बोलता नहीं बड़ी बातें, I'm just stating facts. Punjabi goon, how the fuck should I relax? Mere paas na koi roli na koi lex, jani baap ki kamai beni gari jara flex. Baith ke takke main bande bana du, hitter awam ko chande kara du, phad ke chhapat gal pe thappad, khade khade maut hathe chada du. Bade bade maine lode lagaye, in jaise bhoodi ke thode nahi aaye. Punjab se main janab, baju sindh mein kam nahi main azab. Maine din ke bhooke anginat, humse ab tabhi sadte sab. Kam jalan करूं चर्स गरम और हर कलम से करूं सर कलम. भाई थोड़ा रोकना चाहता हूँ, ये भाई पूरा गाना मुझे लग रहा है डिस्ट्रैक्ट है चैन के लिए और सनी खान दुराने के लिए मेरे हिसाब से. और स्टार्टिंग में बोलते हैं कि ना मेरे पास भाई रोलेक्स है, ना मेरे पास महंगी गाड़ियां है, अपने दम पे जो भी करते वो करते, तुम्हारी तरह बाप के पैसे पे नशे वशे मस्ती वगैरह नहीं करते. और साथ में चैन के को भी थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में टारगेट कर दिया है कि ये लोग अपने आप मुझे बोलते हैं कि ये जाली रैप गोड है और अपने आप को बोलते हैं रैप गोड है. चैन के काफी ज्यादा बोलते हैं रैप गोड है, रैप गोड है. तो भाई चैन के का नाम ले रहा हूँ तो जो चैन के फैन है ये मैं सोचना कि तू उसको क्यों बोल रहा, क्योंकि इस गाने के अंदर उसी के बारे में ही टारगेट किया गया है. डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ लेना वायरस. Motherfucker, let it come. High zone ke khatri ye londe. Eyes on the prize, haath mein gauntlet. Sare fehris bade nemesis, yahan jale cannabis, baat cheet supersonic. On hai boy scene bada on hai. Ring ring, I got hoes calling. Puff puff, pass four in the morning. Sare competition ko shikast de di solid. Mere lafz chal pure nigal. Lan se hai mere dastoor al amal. Gamzan meri roo ka safar. Lava do main muh se ugal. Dal dal laye bete yahan rakhna na pair. Ara zala zala chal bal ke tu ghair. Kal ke tum halke mein aate nahi hum tere.
मेरे बाप बेटे शाम सीढ़ी का नहीं थे। तला यूरिस आ गया। देखो भाई रैप दीमन ने तो मुझे लग रहा है थोड़ा हल्का हाथ रख लिया, लेकिन तला यूरिस और उसके बाद फिर अंजुम आएगा। यूनिस आ गया भाई, खतरनाक। यूनिस का फ्लो बहुत खतरनाक मुझे लगता है, और खासकर यार जो रेफरेंस देता है बहुत डीप देता है, और तला अंजुम तो उसके बाद भी खतरनाक ही है भाई। यूनिस आते ना अलग एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि मालूम है कि भाई यूनिस खतरनाक डिस्ट्रॉय कर देता है। ज्वाला तो इसने उगल दिया है, अब आया है यूनिस की बारी। यूनिस का कमाल देखते हैं। Day one, real ones, yeah, but come on, pe bad I pull out a shotgun. Oh, yeah. You're looking for the T-Y flow, you know, I'm throwing that sativa, oh. Mine, I will karna chahte, mera time by, jab main likhta rhymes, bhai, kabhi kare. Life is a race, to buy a R2. Oh, buy a R2. अगर आपने रेस देखी होगी कार रेसिंग, तो उसके अंदर बंदा बहुत खतरनाक, मतलब बहुत सारे अवार्ड जीत चुका है, बहुत सारा विनर रह चुका है, फर्स्ट आता है। देख रेफरेंसेस दे रहे कि भाई अगर तुम इस रेस की बात करो तो मैं वो वाला बंदा हूँ, और वो बंदा हमेशा फर्स्ट रहता है, खतरनाक बंदा। रेफरेंसेस बहुत डीप जा रहे हैं भाई, दोबारा से एक बार। Gun. Oh, they're looking for the T-Y flow, you know, I'm throwing that sativa, oh. Mine, I will not shatter my time by, jump like the rhymes by, cause they care. Life is a race, to buy a R2, I'm lazy when my bars book, bought deep, burn, classic just a mob deep, burn. Mob deep? भाई रेफरेंसेस बहुत खतरनाक दे रहा है। मॉब डीप अगर आपने देखा होगा, अमेरिकन वेस्टर्न साइड का रैपर है, और वो भी दो लोग हैं, जैसे ये लोग है ना, तला यूनिस और तला अंजुम, स्टनर गैंग, स्टनर इनकी टीम का नाम है, वैसे उनकी टीम का नाम भी है मॉब डीप। आहा, वो भी किल करते हैं यार। वही रेफरेंसेस बहुत खतरनाक होने वाले हैं, मुझे लग रहा है एक बार में सुनने में एक आधे में तो सर से निकल जाएगा, तो इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार। एक बार दोबारा सुनूंगा मैं स्टार्टिंग से तला यूनिस का, क्योंकि तला यूनिस खतरनाक थवाई मचाते, किल शॉट सीधा। I will come shot in my time by jump like the rhymes by cuz they care. Life is a race to buy a R2. I'm lazy when my bars boot, bought deep, burn, that's just a mob deep, bun, bum, yum, eating it for fun. The friends are sick, just a black and rain, take like a loaded gun. Just something made a boss before you cut it. Oh, yeah. I can get the tell like a lyrics, you know, it's got flow. You get metal word, it's got down code. Just tune in, so any bro, her beat, but then I ache flow. Word play, thank you, just a jelly, not a shady log. I'm radio, so like a lady, dog, my chelter daily, bro. Whoa, if you know, you know. I'm so skip out, take it pure today. Hey, I'm 6 feet. Exactly what your bitch needs. It's risky talking about her against me. भाई तला यहाँ पे तला यूनिस शायद अपना रेफरेंस दे रहा है कि मेरी हाइट 6 फीट की है, और वही तुम लोगों को चाहिए क्या, 6 फीट का क्या लड़ने चाहिए क्या, वो बोलने का मतलब है मुझे लग रहा है तला यूनिस का यहाँ पे। और भाई साथ में पिछले बार में ये भी बोला इसने कि मेरे यहाँ पे जो गाने हैं हर जगह चलते हैं, और लड़कियों में लेडीज में भी चलते हैं। भाई अभी तो अंजुम का बेटा, अंजुम क्या करेगा। रैप दीमन थोड़ा मुझे लग रहा है हल्का हाथ रखा है, लेकिन रैप दीमन ने भी दबा के मारी है। यूनिस तो भाई खतरनाक है, कोई शक नहीं है, सामने वाले बंदे का सीधा रेप कर देता है। अभी अंजुम आना बाकी है। तला यूनिस एक बार दोबारा से, तला यूनिस का वर्स मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है, फास्ट सुपर सोनिक फ्लो है, दिमाग से निकल जा रहा है, लेकिन सुनने में बड़ा मजा आ रहा है यार। Not shady log, I'm radio, so like a lady dog, but chelte daily, bro. Whoa, if you know, you know. I'm so skip out, take it pure today. Hey, I'm 6 feet, exactly what your bitch needs. It's risky talking about her against me. Eventually, they fuck with me, mention me. Khali bartan kare shor, de regali, asli inke liye jali, I go hali on, I'm spiritually legit. Sono lano, gori bano, mad bano, bas kill my word still. Harder than your kicks, 808, so perspective to reverse, so reverse. Who in status kids are done in before zue. Kabu apne nafs pe, amar spray, ye farsh pe. Khan deta beat, kaande bande ne kab zue. Beat a chora sal me bari, in belove zue. Ab khilone inke zab zue. तू है बच्चा लड़ा बच्चे से, पर अपना बच्चा तख्त पे ये वक्त है उसका, और तू सिर्फ एक कब्बा, वो भी एक टट्टे, कहां दुनिया जाने कब से, फिर जरा गाने ये तब से तेरा पूरा गैंग बैंग करे मेरा वर्ड प्ले। वो कहते मैं ड्रग्स हूं, वो करता मैं पी रहा करता, ये सोबर नहीं लड़का, वो खुद ही के इस्लामाबाद भी मेरा घर था, टेढ़े का टेढ़ा कुत्ते का जबड़ा, जो किया जानी वो बताता किया मैंने, खुद से बात रियल रहूंगा और असली चीजों से करूंगा, आगा आ जा जा तुझे स्कूल करूं, गरम खून जानी खूब लड़ू साले डूब मरो, मैं तो बैठा है जोन, लेकिन बिग फक ब्रेक्स ब्रदर, नथिंग कैन स्टॉप मी, अरबाब की डोप चेकमेट, मेरा रेड डबल मेरे हिट मगर, yeah. If you know, तला यूनिस, तला अंजुम आ गया। इससे पहले भाई यूनिस
यूनिस मुझे लग रहा है कि ज्यादातर यहाँ पे सनी खान दुराने को टारगेट कर रहा है और यहाँ पे थोड़ी बहुत मिमिक्री भी की है सनी खान दुराने की और कुछ बीच में मैटर हो गया था ना इस्लामाबाद को कुछ लेके तो वही सीन बता रहे हैं। और भाई अब आया है उर्दू रैप का गालिब यानी कि हमारे तला अंजुम साहब, तो तला अंजुम को सुनेंगे। तला अंजुम क्या खतरनाक लेके आते हैं भाई, दोनों ने किल शॉट किया अभी तक, लेकिन मुझे लग रहा है यार ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा यार, मतलब हर दो में से एक गाना भाई हिटर्स की मारने में लगे पड़े हैं, बट पार्ट ऑफ हिप हॉप तो सब चलता है, हम कोई नहीं होते बोलने वाले। तो चलो भाई अब सुनते हैं एक बार अंजुम का वर्स। गरम खून जानी खूब लड़ू साले डूब मरूं मैं तो बेटा आई जोन दे कैन टेक फक ब्रेक्स ब्रदर नथिंग कैन स्टॉप मी और बाबे की डोप चेकमेट मेरा रेड डबल मेरा हिट मगर इफ यू नो And you don't even know ke tu kis kaam se mere baaz nahi phaam tere baaz nonsense like turbulence I leave you all nauseous cautious proceed with caution smoking the weed and coughing urdu rap got gone kiske baaz mein aag aur kaun sirf hot chain ke hip hop mein hot wahi wala fir dobara isne bhi target kar diya ki bhai yahan pe urdu rap got gone hai aur hot khali gaana kiska hot hai aha anjum word play yaar it's like turbulence I leave you all nauseous cautious Proceed with caution, smoking the weed and coughing. Urdu rap got gone. You. Kiske bars mein aag aur kaun sirf hot. 28 din lage tumhe likhne mein dis mind khol tera mind band hai. Yeah. Tu khada nahi hota na time pe, varna main keh deta ke tu ek London. Bhai, acha hua tum logon ne ads nahi laga rakhi hai. टाइम से खड़ा नहीं होता गाने लगाने में, इतना टाइम लगा देता है और ये टारगेट किया गया पूरा चैन के को, नहीं तो मैं अगर तू टाइम से खड़ा होता तो मैं कहता तू लंड है तला अंजुम भाई। मुझे तो लगा तला अंजुम प्यार से लेगा लेकिन तला अंजुम भी इस बार ब्रूटल जा रहा है भाई। किसके बार्स में आग और कौन सिर्फ हॉट 28 दिन लगे तुम्हें लिखने में डिस माइंड खोल तेरा माइंड बंद है तू खड़ा नहीं होता ना टाइम पे वरना मैं कह देता कि तू एक लंड है टेंशन की बात ही नहीं है जोड़ा लगा के मैं चिल लेकिन मत्था घूमने में मिनट नहीं लगता तू कराची आके तो मिल मेरे बैग में चेक है वर्थ हाफ अ मिल फॉर अ होमकमिंग मेरे बाद मेरे लव्स रखो याद क्योंकि मैं हमेशा रहूंगा नहीं मोर मनी ये डिस विस मेरे किसी काम का नहीं तेरे बाप से भी ज्यादा मेरी आमदनी सिर्फ टैलेंट पे डिग्री का मामला नहीं मुझे सुने सैवेज उमर के नरशारे बोल जानी। ओ वाओ 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 बहुत अच्छा तरीका दिया है भाई अपने दोस्तों को रेफर किया है यहाँ पे कि भाई मेरा गाना इतना खतरनाक है मेरा सीन इतना खतरनाक है कि मेरे जो दोस्त लोग हैं जानी सैवेज उमर सबको यहाँ पे शार्ट आउट दे दिया है। वाह बहुत अच्छा तरीका अपनाया भाई बंदे ने यार तला अंजुम यू आर ग्रेट यार क्योंकि मैं हमेशा रहूंगा नहीं मोर मनी ये डिसमिस मेरे किसी काम का नहीं तेरे बाप से भी ज्यादा मेरी आमदनी सिर्फ टैलेंट पे डिग्री का मामला नहीं मुझे सुने सैवेज उमर के नरशारे बोल जानी तला यूनुस मेरे लिए करे रोल जानी बात सीधी सिर्फ चीटा होता गोल जानी ऐसे तो नहीं होते फायर मेरे बार्स बेटा 140 मिलियन माइल्स दूर मैं हूं मार्स बेटा मुझे पुलिस बुलाते हो वेल दैट मेक्स मी पार्क कॉल द कॉप्स व्हेन यू सी तला ओ कॉल मी पुलिस व्हेन यू सी तला ये शायद मैं टू पैक को शायद यहाँ पे रेफर किया गया है क्योंकि कुछ ऐसे सीन था टू पैक का जगह भी कहीं नाम होता था तो फिर वो लोग पुलिस को बुलाते थे मतलब वो इतना खतरनाक था कि भाई पुलिस को वहाँ बुलाना पड़ता था और सेम वही रेफर यहाँ पे दिया है और शायद मुझे लग रहा है कि इन्होंने कुछ सीन हुआ होगा शायद इन्होंने पुलिस पुलिस वालों को बुलाया हुआ तो वही रेफर यहाँ पे कर रहा है। हाँ तला अंजुम भाई क्यों चीटा होता गोल जानी ऐसे तो नहीं होते फायर मेरे बार्स बेटा 140 मिलियन माइल्स दूर मैं हूं मार्स बेटा मुझे पुलिस बुलाते हो Well that makes me park Call the cops and you see tala Fucks the tafukuron ko feel ke na Tujhe verse diya pura ja ke heat bana Ek saal le le beta magar heat bana Cheese bana jo legit to Chutaya pe band kar zinda main zinda Tu banda hi nahi banda tu banda hi ganda tu pitega ये भाई ये तला यूनिट है तला यूनिट बहुत हरामी बंदा है बहुत कुत्ती चीज है भाई इससे पंगा मत लेना। और यार यहाँ पे आर्टिस्ट है रैप दीमन तला यूनिट और तला अंजुम ड्रीम कोलैबोरेशन होता है हमेशा क्योंकि फिर बाद में नहीं पता कि ये लोग कब एक साथ गाना निकालेंगे नहीं निकालेंगे लेकिन जब तक इन लोग ये गाना निकाल रहे हैं तो अच्छा है भाई हम गाने को पूरा एंजॉय कर रहे हैं बाद में नहीं पता आपस में लड़ाई हो जाए कुछ हो जाए मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए जिसकी वजह से अलग हो जाए लेकिन हाई जोन रिकॉर्ड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि यार दो तीन ट्रैक लग रहा है इन्होंने और निकाल के रखे हुए हैं ये गाना बहुत ही ब्लास्टिंग था खतरनाक था और भाई हेटर्स को सीधा मुंह पे जाके चपेटे हर एक बार्स में थप्पड़ पे थप्पड़ थप्पड़ पे थप्पड़। और यार खासकर मैं बात करूँ तला यूनिस की और तला यूनिस ने बोला कि बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि यार तला यूनिस का फ्लो अच्छा है और जो तला अंजुम है उसकी राइमिंग अच्छी है तो वो भी बोला कि भाई जो मेरे को समझते हैं ना वो तो खाली वाव वाव करते हैं जैसे मैं खाली वाव करता हूँ इनके गाने सुन के। गाना भाई मुझे बहुत प्यारा लगा है और मैं यही चाहता था कि भाई इनका कोलैबोरेशन हो क्योंकि पिछला गाना हमने सुना था खिताब वो बहुत बेहतरीन था और मुझे लग रहा है हाई जोन रिकॉर्ड्स वालों तुमने दो तीन गाने और रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं लेकिन थोड़ा जल्दी इन्फॉर्मेशन दे देना कब वो गाने आने वाले हैं
तो यार फाइनली आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, लेकिन गाना सुन के मुझे बहुत मजा आया है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे ये लोग ड्रग्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है कि यार ये सब नहीं होना चाहिए, ये मैं बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से बता रहा हूँ। बट जो भी है, ड्रग्स यहाँ पे बहुत प्रमोट हो रहे हैं, जैसा पार्ट यार ड्रग्स कुछ भी प्रमोट करो भाई, अपने को खाली चाहिए एंटरटेनमेंट, जो कि इनके गाने से मिल रहा है और पूरा मजा आ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई सामने से क्या रिप्लाई आता है, क्या रिप्लाई नहीं आता। लेकिन यहाँ पे भाई लेजेंडरी ट्रैक एक के बाद एक बनाए जा रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि ये तीनों बंदे ऐसे हैं जो हिप हॉप को पकड़ के रखे हुए, हिप हॉप को संभाल के रखे हुए हैं, और अपने जो इनके साथी थे उनका भी रेफरेंस दिया कि भाई वो लोग भी मुझे सुनते हैं। भाई देखो गाना सुन के मुझे बहुत मजा आ गया, और मुझे यार ये तरीका करने में बहुत मजा आ रहा है कि जो भी रेफरेंस देता है, कोई भी डीप मीनिंग होती है उसमें पॉज करके समझाने में। हाई जोन रिकॉर्ड्स बहुत खतरनाक काम, बाकी आप लोग बताना आपको गाना कैसा लगा, और नीचे कमेंट जरूर करना कि आपको कौन सा वर्ड अच्छा लगा, किसका काम ज़्यादा अच्छा लगा। बट यहाँ पे देखो कंपेयर किसी को नहीं कर सकते, तीनों का अलग जोन है। लेकिन यार रैप दीमन का मुझे कहीं ना कहीं एक चीज़ वो लगती है कि ना जब ये रैप करता है ना तो वो बहुत खतरनाक जाता है, लेकिन बीच में थोड़ा ऑटो ट्यून वाला सीन डाल देता है ना सिंगिंग के साथ, तो वहाँ पे ना थोड़ा मतलब हिप हॉप के अंदर वो शायद चलता है, लेकिन हमारे दिमाग में भी देखो फिट नहीं हुआ, क्योंकि हमने उस टाइप के गाने ज़्यादा सुने नहीं है, इसलिए शायद ऑटो ट्यून वाला सीन थोड़ा अच्छा नहीं लगता शायद मेरे हिसाब से। बट गाने की बात करूँ, योनेस अंजुम रैप दीमन खतरनाक, 100 में से 100 नंबर दूंगा, क्योंकि ये ट्रैक जो है फायर है, फुल ऑन फायर, बम ब्लास्ट कर दिया है। बट यार बाकी आप लोग जरूर बताना, जब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।